आपके इस कहने का आधार क्या है? यानी बीज घोटाला होता रहा, इसी की तो जांच हो चुका है या कोई तारीख फिक्स कर? न्यूज़टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। इन दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने की फिर साजिश हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने गोडसे को खड़ा किए जाने की कोशिश हो रही है। यह काम भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर कर रही हैं और निरंतर लोकसभा चुनाव के समय से उनका यह अभियान जारी है। शायद प्रज्ञा ठाकुर नहीं जानती कि आज संसद के जिस भवन में वो बैठी हुई हैं वह भवन बिना गांधी के संभव नहीं था भारत को मिलना। भारत की आज़ादी के बारे में भी अगर बहुत ही निगेटिव ढंग से लोग गांधी के बारे में सोचें तो यह कहना मुमकिन नहीं होगा कि गांधी के बिना आज़ादी आ सकती थी। महात्मा गांधी आज़ादी के एक ऐसे सूत्र थे जिनके बिना आज़ादी संभव नहीं थी, देश का आज का स्वरूप संभव नहीं था। यही नहीं, आज़ादी की लड़ाई में जो लोग गांधी के साथ नहीं थे वो भी गांधी की इज्जत करते थे, गांधी का सम्मान करते थे। पिछले लोकसभा चुनाव में जब प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी के सामने गोडसे को खड़ा किया तब उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं उन्हें मन से माफ़ नहीं कर सकता। यह बातें पूरी तरह घृणा के लायक हैं। सभ्य समाज के अंदर इस तरह की बातें नहीं चलती हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को लेकर जो कुछ कहा इसके चलते उन्हें रक्षा समिति से बाहर होना पड़ा। जेपी नड्डा ने कहा नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानने की सोच की वह और उनकी पार्टी निंदा करती है। राजनाथ सिंह ने कहा ऐसी सोच की हम भर्त्सना और निंदा करते हैं। गांधी पहले भी देश के मार्गदर्शक थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगी। वैसे प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग इस बात को आसानी से समझने को तैयार नहीं है। उन्हें तो गांधी के बहाने अपने नाम को शोहरत मिल जाती है, लाइमलाइट मिल जाती है। वे जानते हैं कि गांधी के बहाने उन्हें मीडिया में सुर्खियां मिल सकती हैं, इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। ये सारे लोग वर्चुअल वर्ल्ड के लोग हैं, एक्चुअल वर्ल्ड के लोग नहीं हैं। जो गांधी का विरोध करते हैं अगर वो एक्चुअल वर्ल्ड के लोग होते तो गांधी का विरोध नहीं करते। वर्चुअल वर्ल्ड में गांधी का विरोध जरूर होता है। यही वजह कि एक ही साथ वर्चुअल वर्ल्ड में गांधी और गोडसे दोनों ट्रेंड करते रहते हैं। गांधी को मारने का जो शौक है वो आज ही नहीं, उनके जीवन काल में भी था। गोडसे से पहले गांधी को 6 बार मारने की साजिश हो चुकी थी। पहली साजिश 1934 में पुणे में हुई। उन्हें एक समारोह में जाना था, एक तरह की दो गाड़ियां थी। एक गाड़ी में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी बैठे थे, दूसरे में आयोजक थे। दोनों लोग निकले, अचानक रेलवे फाटक बंद हो गया। आयोजकों की गाड़ी आगे चली गई, गांधी की गाड़ी पीछे रह गई फाटक के इस पार। आयोजकों की गाड़ी अभी फाटक से थोड़ी दूर आगे निकली थी कि उसमें विस्फोट हुआ और परखचे उड़ गए, गांधी बच गए। दूसरा और तीसरा हमला 1944 में हुआ। दूसरा हमला जब हुआ तब आगा खां पैलेस से रिहाई के बाद गांधी पंचगढ़ी जाकर रुके। वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। गांधी ने प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की, बात नहीं बनी। आखिर में एक आदमी छुरा लेकर गांधी की तरफ दौड़ा लेकिन पकड़ लिया गया। इसके बाद तीसरा हमला उस समय हुआ जब गांधी और जिन्ना की बम्बई में वार्ता होने वाली थी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग नाराज थे। यहाँ भी गांधी पर हमले की योजना नाकाम हुई। चौथा हमला 1944 में हुआ। महाराष्ट्र के नेरुल के पास रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गईं। उस समय जो ट्रेन गुजरने वाली थी उससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यात्रा कर रहे थे। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई पर गांधी बच गए। पांचवा हमला 1948 में तब हुआ जब मदन लाल गांधी पर बम फोड़ना चाहते थे पर वह फटा नहीं, सब पकड़ लिए गए। छठवां हमला 30 जनवरी 1948 को तब हुआ जब गांधी प्रार्थना सभा में जा रहे थे, नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चलाई, गांधी की जान चली गई। हैरत अंगेज यह है कि 4 हमलों की जगह पर नाथूराम गोडसे खुद मौजूद था। इनके अलावा गांधी की जान लेने के 2 और प्रयास हुए, वो दोनों प्रयास चंपारण में हुए।
इन दोनों प्रयासों का न तो कोई दस्तावेज उपलब्ध है न कहीं जिक्र है, लेकिन चंपारण की कहानियों, लोक स्मृतियों और लोकोक्तियों में इन दोनों हमलों का जिक्र आज भी सुना जा सकता है। 1957 में राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी गए थे, वहाँ एक जनसभा में वो भाषण दे रहे थे। उन्हें लगा कि दूर खड़े आदमी को वो पहचानते हैं, उन्होंने मंच से ही आवाज़ लगाई, बतख भाई कैसे हो। बतख मियाँ को मंच पर बुलाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने किस्सा सुनाया कि महात्मा गांधी मोतिहारी में थे तो नील कारखानों के नेता इरविन ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। उसने सोचा कि अगर गांधी के खाने में कोई ऐसा जहर मिला दिया जाए जिससे कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाए तो उनकी जान भी चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए बतख मियाँ अंसारी को चुना गया। उन्हें कहा गया कि आप ट्रे लेकर गांधी के पास जाओगे जिसमें खाने पीने की चीज़ें होंगी। बतख मियाँ का छोटा सा परिवार था, कम जोत के किसान थे, नौकरी से काम चलता था, लिहाजा वह मना नहीं कर सके। ट्रे लेकर गांधी के सामने पहुँच तो गए लेकिन ट्रे को टेबल पर रखने की हिम्मत नहीं कर पाए। गांधी ने जब सर उठा करके बतख मियाँ को देखा तो बतख मियाँ रोने लगे, सारा राज खुल गया और गांधी बच गए। इसके चलते बतख मियाँ को जेल हुई, उनकी ज़मीनें नीलाम हो गई। राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से उन्हें अपने साथ ले गए। बतख मियाँ के बेटे जान मियाँ अंसारी को उन्होंने कुछ दिन राष्ट्रपति भवन में भी रखा। राष्ट्रपति भवन ने उस समय की बिहार सरकार को पत्र लिखा कि बतख मियाँ के परिवार को 35 एकड़ ज़मीन मुहैया करा दी जाए। आज तक इसकी फाइल चल रही है। चंपारण का दूसरा वाक्या तब का है जब एक अंग्रेज मिल मालिक गुस्से में ये कह रहा था कि गांधी अगर अकेले में मिल गया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। गांधी को ये बात पता चली। गांधी जी उसी इलाके में रुके हुए थे, सुबह सुबह उस अंग्रेज मिल मालिक के कोठी पर पहुंच गए। उन्होंने चौकीदार से कहा, जाओ कह दो गांधी आया हुआ है और अकेले आया है। कोठी का दरवाज़ा नहीं खुला, अंग्रेज मिल मालिक बाहर नहीं आया। प्रज्ञा और उन जैसे लोग इस गांधी को कैसे मार पाएंगे? गांधी एक्चुअल वर्ल्ड के लोग हैं, एक्चुअल वर्ल्ड सत्य होता है। मुंडक उपनिषद बताता है, सत्यमेव जयते। ऐसे में हमें गांधी को मारने की साजिश अब बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। और जो पराजित नहीं हो सकता है उसे मारा नहीं जा सकता है। गांधी सिर्फ संज्ञा नहीं है, गांधी विशेषण है, विशेषण मरता नहीं है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।